Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of pre-stressed concrete. इस क्वेश्चन को हम प्रेशर लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे. सो, पहले देख लेते हैं कि प्रेशर लाइन क्या होती है. प्रेशर लाइन को हम थ्रस्ट लाइन भी बोल सकते हैं. एट एनी गिवन सेक्शन ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम द कम्बाइंड इफेक्ट ऑफ द प्री-स्ट्रेसिंग फोर्स एंड द एक्सटर्नली अप्लाइड लोड विल रिजल्ट इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेसेस दैट कैन बी रिजॉल्व इन टू अ सिंगल फोर्स. जो हमारा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स होता है एंड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड होता है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक सिंगल फोर्स में. एंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस रिजल्टेंट फोर्स इन एनी स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज प्रेशर लाइन और थ्रस्ट लाइन. एंड जो ये सिंगल फोर्स होता है इसको अगर हम मतलब उसके लोकस को कर दें एंड देन उसे एक लाइन ड्रॉ करें देन वो उसको हम प्रेशर लाइन या थ्रस्ट लाइन बोलेंगे. लाइक ये बीम है हमारी, इसमें ये हमारे टेंडन्स पड़े हुए हैं और जो हमारी सिंगल फोर्स है जो कि रिजल्टेंट है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एंड एक्सटर्नली अप्लाइड लोड का, उसको अगर हम इसमें ड्रॉ करना चाहें तो हमें कुछ इस टाइप से लाइन मिलेगी. लाइक ये हमारा मिड पॉइंट है जैसे, तो अगर इस जो हमारा फोर्स आ रहा है उसका लोकस जो मिड पॉइंट से किसी डिस्टेंस पे है, ये क्वार्टर पॉइंट्स हैं इन पे किसी डिस्टेंस पे है, तो हम जब इनको सारे को मिलाएंगे देन वी गेट प्रेशर लाइन. ये यहाँ पे तो हमें पैराबोलिक दिख रही है बट ये किसी टाइप से भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन लोकस. नाउ ऑर्डिनेट ऑफ प्रेशर लाइन एट एनी सेक्शन, किसी सेक्शन पे जो प्रेशर लाइन का ऑर्डिनेट होगा वो हम कैसे फाइंड करेंगे. उसके लिए फार्मूला है मोमेंट एट सेक्शन अपॉन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स. लाइक हमें अगर मिड पॉइंट पे चाहिए ऑर्डिनेट, तो मिड पॉइंट पे क्या मोमेंट होगा अपॉन जो हमारा इसमें प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हम टेंडेंस में अप्लाई कर रहे होंगे वो, उसकी हेल्प से हमें ऑर्डिनेट मिल जाएगा. लेट्स सी आर न्यूमेरिकल. हमारे पास एक हमें बीम दे रखी है, इसका ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमें, इसको हम बी मान लेंगे. इसको डी इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है. एंड हमें दे रखा है कि जो इसेंट्रिसिटी है दैट इज़ डी बाई सिक्स एंड जो लेंथ है स्पैम की दैट इज़ एल. सो क्वेश्चन इज़ इफ द लोड इज सच दैट स्ट्रेस एट द बॉटम फाइबर इज इन कॉन्क्रीट इज़ जीरो. और हमें दे रखा है कि जो स्ट्रेस एट बॉटम है वो जीरो है. मीन्स हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस, एसेंट्रिक स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस जो बॉटम पे होगी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे. एंड इसेंट्रिकसिटी ऑफ प्री स्ट्रेसिंग इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू डी बाई सिक्स. और हमें जो इसेंट्रिकसिटी दे रखी है मीन्स जो टेंडेंस हमारे है वो जो हमारा मिड पॉइंट है मीन्स सी जी है उससे डी बाई सिक्स नीचे की तरफ है. लोकेट द पी लाइन एट मिड स्पैन एट एंड्स एंड ऑल्सो एट द क्वार्टर स्पैन. नाउ हमें पी लाइन मीन्स प्रेशर लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ कहाँ पे, एट मिड पे करनी है, देन एट क्वार्टर जो पॉइंट्स होते हैं उन पे करनी है एंड इन पॉइंट पे करनी है. क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है हमें, और जो ड्रॉ करना है इसलिए हम ऑर्डिनेट निकाल लेंगे एट मिड, एट क्वार्टर एंड एट एंड. तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें मोमेंट चाहिए होगा एट मिड, एट क्वार्टर एंड एट एंड अपॉन जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हमें दे रखा होगा. बस बहुत सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करना. बट इस क्वेश्चन में हमें कुछ खास वैल्यूज़ नहीं दे रखी हैं, सारी चीज़ें लाइक बी डी डी वाई सिक्स इस फॉर्म में दे रखी हैं एंड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स भी पी फॉर्म में दे रखा है. तो जो हमें एक कंडीशन दे रखी है कि एट बॉटम स्ट्रेस जीरो होगी, तो उसकी हेल्प से हम कुछ कोई एक रिलेशन निकाल लेंगे जिसकी हेल्प से हम जो सारे पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे. सो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो सेम है कि डाटा लिखना, लाइक वाई टी वाई बी हमारे जो होंगे वो डी वाई टू हो जाएंगे. अगर ये टोटल डी है तो डी वाई टू हो जाएंगे. ई हमें दे रखी है डी वाई सिक्स, इसकी हेल्प से हम आई निकाल लेंगे दैट इज़ बी डी क्यूब अपॉन 12. ये बी तो स्मॉल बी है, डी बस हमें कैपिटल डी रख के 12 कर देना है. नाउ मोमेंट एट सेंटर क्या होगा, दैट इज़ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ये हो जाएगा. एंड क्वार्टर पे बस अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना चाहें तो 3WL स्क्वायर बाई 32 ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जब हमें मोमेंट एट क्वार्टर चाहिए होता है. एंड वी नो कि एंड पे जो मोमेंट्स होता है वो जीरो होता है. नाउ हमें जो कंडीशन दे रखी थी दैट इज़ सिग्मा बॉटम इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट मिड पे दे रखा है कि सिग्मा बॉटम जीरो है. तो सिग्मा बॉटम के लिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस लिखेंगे दैट इज़ पी अपॉन ए एंड एसेंट्रिक स्ट्रेस दैट इज़ पी ई वाई अपॉन आई. बॉटम पे है तो ये यहाँ पे वाई बी हो जाएगा.
एंड वी नो दैट सेंट्रिक स्ट्रेस एट बॉटम पॉजिटिव होती है एंड जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है एट बॉटम वो निगेटिव होती है, एंड ये क्या हो जाएगी एम वाई अपॉन आई वाई, यहाँ पे भी वाई बॉटम होगा। नाउ हमें जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं लाइक एरिया क्या हो जाएगा वो बी डी हो जाएगा, एंड ई की वैल्यू हमें दे रखी है डी वाई सिक्स, वाई क्या होगा हमारा डी वाई टू होगा, एंड आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है बी डी क्यूब अपॉन ट्वेल्व। सेम जो मिड पॉइंट पे हमारा मूवमेंट है दैट इज़ डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, वाई की वैल्यू हमें पता है डी वाई टू है, ये बाई बी है हमारे यहाँ पे, अपॉन आई की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ हमें इस टाइप से मिलेगा, यहाँ से ये दोनों सेम है तो इनको हम ऐड कर देंगे डैट इज़ टू पी बी डी, ये किसके इक्वल हो जाएगा थ्री बाई फोर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। नाउ ये रिलेशन हमें मिल गया, ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे। नाउ हमने अभी तक क्या किया, हमने जो हमें डाटा दे रखा था वो हमने लिख लिया एंड कंडीशन के थ्रू एक हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। नाउ लोकेशन ऑफ प्रेशर लाइन ये हमारा सेकेंड स्टेप होगा। सो वी नो ऑर्डिनेट ऑफ जो प्रेशर लाइन होता है डैट इज़ एम अपॉन पी, मीन्स मूवमेंट एट दैट सेक्शन अपॉन पी होता है। सो अगर हम मिड पॉइंट के लिए निकालते हैं देन मिड पॉइंट का मूवमेंट लिखेंगे अपॉन पी, मिड पॉइंट का मूवमेंट क्या है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट, एंड ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट एंड पी की जगह तो पी ही रखेंगे। नाउ ये जो रिलेशन हमें मिला था यहाँ से हम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट की वैल्यू पुट कर देंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट ये फोर है ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे टू एंड टू से मल्टीप्लाई कर दी, इतना यहाँ पे रखेंगे बाकी सबको इधर ले आएंगे। सो यहाँ पे हम डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट की वैल्यू पुट कर देंगे अपॉन पी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट डी वाई थ्री, मीन्स जो मिड पॉइंट पे प्रेशर लाइन का ऑर्डिनेट होगा डैट इज़ डी वाई थ्री। सेम हम क्वार्टर स्पैन के लिए फाइंड कर लेंगे, ए अपॉन एम अपॉन पी होता है, एम की वैल्यू रखेंगे दैट इज़ थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई थर्टी टू है, यहाँ पे भी सेम हम करेंगे, यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू इस इक्वेशन से रख देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लाइक हमें दे रखा है डब्ल्यू एल स्क्वायर तो वो तो हमें दे रखा है, यहाँ पे थर्टी टू है तो नीचे हमें फोर है, तो हम लाइक नीचे थर्टी टू बनाने के लिए हमें एट से मल्टीप्लाई करना होगा, हम यहाँ पे भी एट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी इस टाइप से हम यहाँ पे थ्री डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई थर्टी टू की वैल्यू पुट करेंगे एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट डी बाई फोर। एंड जो हमारा एट एंड्स होगा तो एंड में तो एम जीरो है तो ए भी जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज जब जीरो वैल्यू पुट करेंगे देन वी गेट जीरो। नाउ हमारा थर्ड स्टेप है पी लाइन को यहाँ पे लोकेट करना। सो सबसे पहले तो हम अपनी जो बीम होगी उसको बना लेंगे, जो हमारा मिड पॉइंट है वो वाली लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ से भी जो मिड पॉइंट वाली लाइन होगी उसको ड्रॉ कर लेंगे, देन क्वार्टर वाली लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, एंड जो टेंडेंस हमें दे रखी है वो डी वाई सिक्स नीचे दे रखी है तो उसको भी ड्रॉ कर लेंगे। तो टेंडेंट जो भी हमें ये आई है डिस्टेंस ये टेंडेंट के ऊपर है, लाइक मिड पे डी वाई थ्री, टेंडेंट के ऊपर डी वाई थ्री, ठीक है डी वाई थ्री करेंगे तो ये डी वाई सिक्स है तो ये और ऊपर डी वाई सिक्स कर देंगे, जब डी वाई सिक्स को ऐड करेंगे देन वी गेट डी वाई थ्री, यानी ये टोटल हमने कितने दे दी डी वाई थ्री। सेम जो एट क्वार्टर है दैट इज़ डी वाई फोर, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये जीरो डी वाई फोर हो जाएगा। नाउ हमें पता है ये डी वाई सिक्स है तो ये बचेगा कितना, इसको हम डी वाई फोर से माइनस कर देंगे देन वी गेट डी वाई ट्वेल्व। सेम क्वार्टर ये भी क्वार्टर है तो यहाँ पे भी डी वाई ट्वेल्व हो जाएगा, एंड ये यहाँ पे हमें जीरो ही है तो ये ऐसे ही रहेगी, तो इस लाइन को जो हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे देन वी गेट दिस वन। सो ये हमारी जो है ये हमारी प्रेशर लाइन हो जाएगी, मीन्स पी लाइन। सो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि लोकेट द पी लाइन एट मिड स्पैन एट एंड्स एंड आल्सो एट क्वार्टर स्पैन, तो वो हमने ड्रॉ कर दी, हैंस आवर क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।